180 रुपये केवल महिला महीने हल्दी का निशान नहीं आएगा, पीला नहीं पड़ेगा, अचार का निशान नहीं आएगा। छोटे इस तरफ लगे दिखाते हैं जरा ही। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बज गए हैं 2 और हम जा रहे हैं लाजपत नगर, और आज हमारे लंच में लंच और ब्रेकफास्ट में रहे थे छोले भटूरे, और मैं और मम्मी जाने लग रहे हैं अब। और रास्ते में से कोई मिलेगा तो वो मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगी, और हम क्या करने जा रहे हैं लाजपत नगर वो आपको वहीं जाके पता लग जाएगा। सासू जी कहाँ जा रहे हैं बता दीजिए। मैं नहीं गई, चल उल्टी करा। हाँ बारिश आ गई, बारिश आई, चल मकम मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आज खरीदना ही है। नहीं और गले का प्रिंट आया, इसमें 70 आया, 57 हो गया। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने ले लिया है गोल्ड, और रिटायरमेंट पे मेरी सासू जी ने मुझे कुछ दिलाया है। कैसी बोतल जी? पागल हो रही थे, पापा गुस्सा करेंगे बोतल पी रहे हो। मैंने सोचा मेरे साथ बोतल पी। तो फ्रेंड्स काफ़ी रात हो गई, हमें 4-5 घंटे ही है। फ्रेंड्स आज दिखाती हूँ अपनी सासू जी को। मुझे और दीक्षा को नहीं खाना था, और मम्मी हमारे पीछे पीछे घूम रही है। हमने तो बोला था एक जगह वेट कर लो। हाँ तेरा गोल्डन भी दे दे, मत लगाओ ना। जूती भी है, जूती भी है, जूती भी है, पहले खा लो। पहले हमें लेनी है रियांश की बोतल, पकौड़ी खाते हैं। खा लिया आप? खा लेते ना आराम से। ये भैया बोतल स्टील की, हाँ बच्चों के लिए स्कूल की बोतल, वो रही ना वो रही। यही तो बोल रही थी, अच्छी लग रही है। डिजाइन अच्छी लग रही है भैया। इनका प्राइस क्या है? ये 1250 का पड़ेगा। नया आपकी शॉप महंगी नहीं थोड़ी? आप क्वालिटी देखो, मेरे पास स्टार्टिंग 600 रुपए से है, जो सबसे आगे लगा है ना, 600 रुपए का पड़ेगा। ये वाले कितने का पड़ेगी? ये 800 रुपए का। आप बॉटल ही दे। अरे तो मेहमान आ जाएगा, चटनी और स्नैक्स वगैरह सब करेंगे। इसको छोटी भी है साइज, अगर ये बड़ा लगा तो छोटे साइज भी है। लेते हैं आपको तो लगाओगे 180 रुपये केवल महिला महीने हल्दी का निशान नहीं आएगा, पीला नहीं पड़ेगा, अचार का निशान नहीं आएगा। मेहमान वगैरह चटनी छोटे इस तरफ लगे दिखाते हैं आपको जरा ही। तुम मैंने बता दिया।
दस नाल के पता लग क्रॉकरी अच्छी लगती है। प्रियांश को ना इसी बर्तन में खाना पसंद है। सॉस दो सौ तीस 200 रुपये की पड़ेंगे और 202 में। और ये वाला है ये वाले चार आप कितने के लाए? ये मेरी मम्मी ने दिए थे। कवर ले लीजिए, मैंने भी अपना कवर चेंज कर लिया। ढीले मत बनो यार, ढंग से बोलो। देख तू हमारा देखो भी सामान कोई नहीं ऑर्डर कर ले। बिल खाए पर्स खाए मम्मी का अंदर ले गई। सच में पीछे चलो भाई आ जाओ पिज्जा खा लो। मम्मी को बुला लो ना। सही है पेट तो भरना है। तो फ्रेंड्स रात के बज गए हैं 12 और हम मार्केट के लिए निकले थे 2-2:30 बजे करीब वो निकले थे और तभी बहुत तेज बारिश आ गई। फिर एक बार तो सोचा था कि प्रोग्राम कैंसिल कर दे लाजपत नगर जाने का, लेकिन फिर सोचा कि 5-10 मिनट या आधा घंटा बारिश आएगी इतने हम लाजपत जाएंगे बारिश भी बंद हो जाएगी। तो फिर हमने बाहर जाके देखा कि भाई ऑटो वगैरह एक भी नहीं मिला। बाद में बाहर जाकर फिर हमने कैब बुक करी और वो कम से कम आई 15 मिनट में और हमें लाजपत पहुँचते पहुँचते 3:30 के अराउंड हो चुका था। तो 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक आज तो बहुत बहुत ज़्यादा ही बिजी थे। मतलब गोल्ड लेने के लिए आज हम गोल्ड लेने के लिए गए थे। तो क्या लेने गए थे वो तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी और क्यों लेने गए थे तो जैसे कि आपको पता है कि पापा रिटायर आ रहे हैं तो इसीलिए लेने गए थे और क्या था वो मतलब वो तो मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में मैं बता दूंगी। और फिर बार में मतलब जब हमने गोल्ड ले लिया उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आ गई और फिर बाद में धीरे हो गई तो इसीलिए ब्लॉगिंग मैं मार्केट की कम ही बना पाई। और फिर बस जल्दी से अपना जो मेन सामान था 1-2 सामान जो था मैं लेना था वो जल्दी से लिया
और बस जल्दी से फटाफट फिर हम घर पे आ गए। और घर पे आते आते भी हमें 8:15 हो चुका था, बट मैंने मार्केट से ही गौरव को कॉल कर दिया था कि भाई अपना ऑर्डर कर लो, क्योंकि बिल्कुल भी घर जाकर हिम्मत नहीं थी कि मैं डिनर भी बना लूँ या भाई मम्मी भी मेरी हेल्प कर दे, बट इन्होंने चलो अपना ऑर्डर कर लिया और हमने सबने खा पी लिया था। और बस हाँ, कान्हा जी का बना दिया था और बस फिर अपना थोड़ी देर बैठे रहे, मस्ती करी, बैठे बैठ के बात करते रहे। और अब बज गए 12, तो बस अब सोने की तैयारी, क्योंकि कल बच्चे स्कूल भी जाएंगे तो उसके लिए थोड़ा जल्दी भी उठना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।